बड़ी खबर मिल रही है आपको रूबरू करवाएं भोपाल से है। भोपाल दौरे पर अमित शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। एमपी में पार्टी नेताओं का शाह का संदेश है पार्टी नेताओं को, एमपी में टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। कोई भी बदलाव टीम में नहीं किया जाएगा, चुनाव एकजुट होकर इसी टीम के सहारे लड़ा जाएगा। हालांकि खबर ये है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को बांटी जाएगी, चुनाव दिल्ली से ही टीम ऑपरेट करेगी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर बात कह दी है, संदेश दे दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि जीत का विश्वास पैदा करिए, सीएम की सभा में आ रही है भीड़ और उस पर भरोसा ना करिए, बल्कि पार्टी का संदेश लोगों तक आप पहुंचाइए। उन्होंने कहा कि लगातार मिलकर के बिना बदलाव के टीम काम करेगी। ये बड़ी जानकारी भोपाल से है। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ दिग्विजय पर प्रहार जारी रखिए, जो जनसभा की भीड़ है उस पर भरोसा मत करिए। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बड़े बयान, इन बड़ी बातों के बाद किस तरीके से चुनावी रणनीति में बदलाव संभव है, क्या कुछ बातें और कही गई दिग्विजय? देखिए, अमित शाह जिस अंदाज में देर रात में भोपाल आए थे, अचानक उनका दौरा बना था, 8:30 बजे यहाँ पहुंचे, 11:30 तक रहे, लगता है कि बहुत बड़ा संदेश देने आए थे, कुछ ना कुछ खास बात पर ही होगी। हालांकि मीटिंग इतनी गुप्त रही कि अंदर किसी कैमरामैन को अंदर जाने के शॉट्स नहीं मिले, मगर अंदर से जो खबरें हमको मिली हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया अमित शाह ने अपनी तरफ से कि इस टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री बदलेंगे ना प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, यही टीम एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात, पार्टी में आप लोग कॉन्फिडेंस पैदा करिए, छोटी छोटी बातों में दबाव में मत आइए, भले ही वो आदिवासी का जैसा भी मामला हो, उस बात पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि किस तरीके से पार्टी दबाव में आ गई। दबाव में आने की जरूरत है, पार्टी ने अच्छा काम किया है उसको आगे बढ़ाइए। मुख्यमंत्री की सभाओं में जो भीड़ आ रही है तो उस पर ज्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि सभाओं की भीड़ कभी वोटों में तब्दील नहीं होती है, इसलिए पूरा जो नीचे तक ग्राउंड लेवल तक पहुंचने लगाइए। मगर सबसे बड़ा बयान कि सब एकजुट होकर चुनाव लड़िए। बिल्कुल ब्रजेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ब्रजेश ये जानकारी दे रहे थे कि जहां इस मीटिंग से भीतर खाने से यही बात निकल करके सामने आई है, भीड़ पर भरोसा ना करें बल्कि पूरी रणनीति पूरी ऊर्जा के साथ जाएं प्रचार में लगे, हालांकि टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।